वेलकम फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस नीति आयोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों डिस्कस करना है नीति आयोग है क्या नीति आयोग देन ऑब्वियसली सर प्लानिंग कमीशन तो ऑलरेडी था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था तो नीति आयोग की क्या जरूरत पड़ी क्या इश्यूज थे प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में देन वी विल डिस्कस कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग नीति आयोग का कंपोजिशन क्या होता है वो फंक्शन कैसे कहता है एंड देन एज यूजल कंक्लूजन एंड एंडिम्स एंड मेन्स क्वेश्चन सो लेट स्टार्ट No, तेरह अगस्त 2014 को जब मोदी सरकार ने 65 फाइव ओल्ड प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप किया गया एंड दे जनवरी टू स्टार्ट फिफ्टीन नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मैं रिपीट कर रहा हूं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के लिए आ सकता है फुल फॉर्म अब कब इनिशिएट किया पंद्रह और प्लानिंग कमीशन कब स्क्रैप हुआ है दो हजार चौदह में देन कम्स इमीजिएट रीजन क्या था हमेशा ये कहते थे हम लोग जो प्लानिंग है वो सेंटर टू स्टेट मतलब वन वे जा रहा था ऐसा एक क्रिटिसिजम आ रहा था मतलब टॉप टू बॉटम प्लानिंग जा रहा था उसके जगह पे डोंट यू थिंक प्लानिंग अगर बॉटम अप हो तो ज्यादा अच्छा है जेन्यून पार्टनरशिप विद स्टेट्स तो ये एक कारण बताया था डिटेल में थोड़ी देर के बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आयोग है बट नीति आयोग जानने के लिए हमें पहले यह जानना पड़ेगा कि आपको नीति आयोग ठीक तरह से नहीं समझेगा और अगर आपको प्लानिंग कमीशन और एनडीसी अच्छी तरह से समझाए तो नीति आयोग समझने में दिक्कत नहीं आएगी सो लेट एस डिस्कस प्लानिंग कमीशन इन डिटेल ना इंडिया में प्लानिंग कमीशन जो है मार्च नाइनटीन फिफ्टी में स्टार्ट हुआ है सो एग्जाम को पूछा गया तो डेट क्या है मार्च 1950 फिफ्टी इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आंसर इज नो इट इज नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर स्टैच्यूटरी बॉडी नॉ यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड स्टैचुटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब वो बॉडी जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली कहा गया है इसके लिए कोई आर्टिकल है तो प्लानिंग कमीशन के बारे में कोई आर्टिकल है क्या आंसर इज नो सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है दूसरा मैंने कहा कि ये स्टैचूटरी बॉडी भी नहीं है स्टेच्यूटरी का मतलब होता है स्टैचू मीन्स लॉ अब लॉ कौन पास करता है जाहिर है लेजिस्लेचर तो ये पार्लियामेंट ने क्रिएट किया है क्या कि लॉ पास करके आंसर इज नो मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है और स्टैचुटरी भी नहीं है देन कम्स अ क्वेश्चन क्रिएट कैसे किया इसे क्रिएट किया गया है जस्ट एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से जो सरकार इश्यू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैं फिर से रिपीट करता हूं प्लानिंग कमीशन इज क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन आई होप क्लियर क्लियर कैसे हुआ और बाकी सब पता चला है। अब थोड़े आगे चलते हैं सर क्या था प्लानिंग कमीशन यू बी कंसिडर एज अ सुप्रीम ऑर्गन इन केस ऑफ प्लानिंग मतलब प्लानिंग के हिसाब में सुप्रीम ऑर्गन है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देन यू मे से कि सर इसकी जरूरत क्या है ना डोंट थिंक यू ऑल गाईज आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और अदर पीसीएस एग्जामिनेशन इज इट पॉसिबल टू क्रैक द एग्जाम विदाउट प्लानिंग आपने अगर सिविल सर्विस भी डिसाइड किया होगा तो भी आपने डिसाइड किया होगा कि मेरा एक साल का कोचिंग होगा एक साल प्रिपरेशन के लिए लगेगा विद इन दैट ऑल्सो यह हम मंथली प्लानिंग वीकली प्लानिंग इवन यू हैव डेली प्लानिंग नॉर्मली हम कहते हैं कि जो प्लानिंग नहीं कर सकता वो प्लान करता है फेल होने के लिए सो डोंट थिंक प्लानिंग का रिलेवेंस बहुत ज्यादा होता है इसमें तो कोई दो नहीं तो इतना बड़ा देश है तो उसके लिए भी प्लानिंग की जरूरत है यस yes. तो ये काम कौन करता था प्लानिंग कमीशन प्लानिंग का आइडिया ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू का था जो कि भारत के पहले पंतप्रधान रह चुके थे ना नेहरू कहाँ से इम्प्रेस है ग्रेट डिप्रेशन जब 1929 में पूरे दुनिया को था तब सोवियत अकेला देश था जो प्लानिंग के थ्रू सक्सेस पा रहा था सो so, एक इन्फ्लुएंस आप वहाँ का भी कह सकते हैं देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन से प्लानिंग कमीशन के फंक्शन ब्रीफ में क्या है प्लानिंग कमीशन का मेन फंक्शन मैंने क्या कहा इट्स अ सुप्रीम ऑर्गन इन प्लानिंग सो देश में जितने भी रिसोर्सेस है उसको इन्वेस्टिगेट करना अच्छी तरह से उसका यूज कैसे कर सकते हैं ये देखने का सारी चीजें देखने की सो चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेस हो कैपिटल हो या फिर ह्यूमन रिसोर्सेस रिसोर्सिस अलग अलग तरीके के होते हैं मटेरियल भी होता है कैपिटल भी होता है एंड ह्यूमन रिसोर्स भी होता है इतना ही नहीं ये सबको एक करके डोंट थिंक आपको एक प्लान फॉर्मुलेट करना चाहिए और ये प्लान इस तरह से फॉर्मुलेट करना चाहिए सो so दैट देश की जो सारे रिसोर्सेस है उसका अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन हो सो दैट लार्जर पब्लिक गुड कैन बी सर्व मतलब देश का जो सबसे वीकर सेक्शन है वहाँ तक रिसोर्सेज पहुँचने चाहिए आई होप फंक्शन तो क्लियर हुआ है देन कम्स नेक्स्ट सो मतलब प्लानिंग कमीशन बहुत पावरफुल हुआ आंसर इज नो लिसन केयरफुली प्लानिंग कमीशन एक स्टाफ एजेंसी है अब आप कहोगे कि, कि क्या होता है स्टाफ मतलब वो इंप्लीमेंट नहीं करते देर आर टू टाइप स्टाफ एंड सेकेंड इज लाइन लाइन एजेंसी इंप्लीमेंटेशन वाली होती है और स्टाफ एजेंसी एडवाइजरी सो ऑब्वियसली प्लानिंग कमीशन का रोल क्या रहेगा एज एडवाइजरी बॉडी आई होप ये क्लियर हुआ है देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन सर इसका कंपोजिशन क्या था यस yes, इसका कंपोजिशन अगर आपको ठीक तरह से समझेगा ना तो आपको नीति आयोग समझने में कुछ दिक्कत नहीं आएगी प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन ऑब्वियसली कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते थे डेप्यूटी चेयरमैन यहां पे मेन है जो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड होता है बिकॉज प्राइम मिनिस्टर तो डे टू डे फंक्शनिंग में नहीं के देखेंगे तो देखने के लिए एक डेप्यूटी चेयरमैन होंगे वो मेन कामकाज देखते हैं और इन्हीं का काम होता है टू फॉर्मुलेट फाइव ईयर प्लान मतलब देश का जो फाइव ईयर प्लान होता है वो करने का जिम्मेदारी किसका है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन तो आप कहोगे कि सर वो मिनिस्टर होते हैं क्या आंसर इज़ नो बट ही एन्जॉय द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर मतलब उसके सारे बेनिफिट उन्हें मिलेंगे क्या आंसर इज यस नाउ डोंट थिंक वो कैबिनेट रैंक के बेनिफिट्स एन्जॉय करते हैं अगर चाहे तो वो कैबिनेट मीटिंग को बुलाया भी जा सकता है बट वह क्या कैबिनेट मीटिंग में वोट कर सकते हैं क्या आंसर इज़ नो इसका लॉजिक सिंपल है भाई अगर मेंबर ही नहीं है कैबिनेट के तो वोट कर सकते हैं क्या आंसर इज नो वोटिंग उन्हीं को अधिकार होता है जो मेंबर होते हैं देन कम्स द नेक्स्ट किस में दो ही लोग हैं क्या नहीं कुछ सेंट्रल मिनिस्टर मतलब यूनियन मिनिस्टर भी यहां पे होते हैं एज अ पार्ट टाइम मेंबर से फॉर एग्जाम्पल आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई इश्यू होगा तो पार्ट टाइम मेंबर आपको किया जाएगा बट डज दैट मीन कोई फुल टाइम होगा ही नहीं क्या नहीं दो लोग तो फुल टाइम होते ही थे कौन दो अब प्लानिंग है मतलब प्लानिंग मिनिस्टर तो लगेंगे ही और दूसरा पैसे की बात तो हमेशा आएगी तो फाइनेंस मिनिस्टर मतलब प्लानिंग मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर तो हमेशा यहाँ पे एक्स ऑफिशो मेंबर्स रहेंगे ना अभी तक मैंने सारे नाम लिए डोंट थिंक सारे के सारे यूनियन गवर्नमेंट के हैं या फिर जिससे आप केंद्र सरकार बोलते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लोग कहते हैं बट यहां पे एक बात याद रखना प्लानिंग कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के लिए प्लानिंग कमीशन में स्टेट्स को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था फिर से रिपीट कर रहा हूँ मतलब प्लानिंग कमीशन क्या है होली सेंटर कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी मतलब यहाँ पे सारे मेंबर्स सिर्फ सेंटर के ही थे स्टेट को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था चार से सात फुल टाइम मेंबर्स रहते हैं जिनको रैंक कौन सा होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का सेक्रेटरी होंगे क्या जाहिर होंगे कौन होता है सेक्रेटरी ऑब्वियसली सीनियर आई ऑफिसर सो ये है कंपोजिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन ब्रीफ याद रखना है तो प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफ ये मेन चेयरमैन डिप्यूटी चेयरमैन एक होंगे देन फुल टाइम मेंबर कुछ पार्ट टाइम मेंबर डेप्यूटी चेयरमैन का स्टेटस क्या होगा कैबिनेट रैंक का क्या वो कैबिनेट मीटिंग में आ सकते हैं यस yes, वोट कर सकते हैं नहीं स्टेट से कोई होता है आंसर इज नो अब आगे चलते हैं सर so, कुछ और भी होता है कि यस इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल डिवीजन हाउस कीपिंग प्रोग्राम एडवाइजरी मतलब अलग अलग एडवाइज देने के लिए अलग अलग टीम होती है सो एक्सपर्ट्स वगैरह ये सारे यहाँ पे आ सकते हैं एंड देन हाउस कीपिंग ब्रांचेस भी अलग अलग होते हैं देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर फिर ये तो बहुत पावरफुल हो गया यस yes. यस yes. इसलिए इसे एक बात कही जाती थी क्या यार ये प्लानिंग कमीशन है या सुपर कैबिनेट है ये है. ये कैबिनेट कैबिनेट है है मतलब ओवर अ ऑफ टाइम ये बहुत ही पावरफुल बन गया इतना कि ने तो क्वेश्चन भी पूछा था एक बार कि प्लानिंग कमीशन इज लाइक अ चेयर एडवाइजर मैं रिपीट कर रहा हूं प्लानिंग कमीशन इज लाइक अम चेयर एडवाइजर नौ no, बोल तो रहा हूं एडवाइजर मतलब वो सलाहकार है उसकी सलाह बाइंडिंग नहीं है बट फिर भी आम चेयर कह रहा हूं इसका मतलब क्या इसका मतलब आपको कंपोजिशन में पता चलता है क्योंकि प्लानिंग कमीशन के हेड ही कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की सलाह कोई नकार सकता है क्या मोस्टली आंसर इज नो सो दो स्टाफ एजेंसी ये बहुत पावरफुल हो गया था इसलिए बहुत लोग इसे क्रिटिसाइज करते थे कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कहा गया ना ही स्टेच्यूटरी है ये इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है बट हो तो गई थी बट क्या वो सुपर कैबिनेट ठीक है सुपर कैबिनेट जैसे लगती थी क्यों नहीं थी बिकॉज अल्टीमेटली ये तो एडवाइजरी बॉडी है और सारे प्लान फिर किसके पास जाते थे पार्लियामेंट के पास तो जाना ही है उसे So, इसलिए क्रिटिसिज्म भी प्लानिंग कमीशन में बहुत था और सबसे बड़ा एक क्रिटिसिज्म था कि भाई देश के लिए आप प्लान बना रहे हो और स्टेट का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं तो ये ठीक नहीं लगता था मतलब सारा अप्रोच किया था टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से प्लानिंग बनेगा पूरे देश के लिए ये एक क्रिटिसिज्म और था दे सॉरी <coughs> तो फिर शॉर्ट आउट करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गया आंसर इज यस की कोशिश क्या कोशिश विद इन टू ईयर्स लिसन केयरफुल विद इन टू ईयर्स अगस्त 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्रिएट किया गया मतलब विद इन दो साल इसके ऊपर जब क्रिटिसिज्म हुआ तो इमीजिएटली बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट प्लान का जो ड्राफ्ट था उनकी सलाह पे इसे क्रिएट किया गया देन कम्स द नेक्स्ट

एंड स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं इतना ही नहीं यूनियन टेरिटरी के सीएम या फिर एडमिनिस्ट्रेटर भी वहां होते हैं और प्लानिंग के भी मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड एनडीसी इसका सेक्रेटरी भी सेम होता था जो प्लानिंग कमीशन के होते थे सो so, अगर मुझे पिक्चर में दिखाना है ठीक तरह से डोंट थिंक आई कैन शो एन डी सी लाइक बॉडी जिसमें यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंटर के भी मेंबर थे स्टेट के भी मेम्बर थे और प्लानिंग कमीशन स्टेट पब्लिक यूनियन टेरिटोरी न डोंट थिंक ये डायग्राम क्लियरली दिखाता है कि एनडीसी वॉज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन यूनियन स्टेट एंड प्लानिंग कमीशन और यही एन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था क्योंकि आप प्लानिंग कमीशन में बार बार क्रिटिसिज्म करते थे कि सर इसमें स्टेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है लो भाई यहाँ पे स्टेट भी आ गए प्लानिंग कमीशन भी आ गया और सेंटर भी आ गया मतलब एनडीसी एक्ट एज अ ब्रिज एन एक्ट एज अ लिंक बिटवीन ऑल थ्री सो ऑब्वियसली इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होगा इज द हाइएस्ट बॉडी बिलो द पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मैटर्स रिगार्डिंग प्लानिंग मतलब प्लानिंग कमीशन जो प्लान बनाता है वो बनाने के बाद प्लानिंग कमीशन के बाद वो कहा जाएगा इट विल गो टू कैबिनेट और कैबिनेट के बाद कहा जाएगा वो एनडीसी एनडीसी में सारे लोग हैं सेंटर स्टेट यूटी के और एनडीसी के बाद जाएगा वो पार्लियामेंट मतलब आपके जो भी क्रिटिसिज्म था प्लानिंग कमीशन के ऊपर आपका कहना था स्टेट को इन्वॉल्व नहीं किया वो सारी बातें अब यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गई बट अगेन डज दैट मीन एनडीसी को बहुत पावरफुल स्टेटस है मैंने कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं और स्टेचुटरी भी नहीं इट इज जस्ट क्रिएटेड बाई एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी एक एडवाइजरी बॉडी है सलाहारी संस्था थी और कुछ नहीं देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन अभी एनडीसी का रेगुलेशन क्या है फिर आपका नाइनटीन फिफ्टी टू से आज तक जैसे मैंने कहा कि एनडीसी मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ इट वॉज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन सेंटर स्टेट एंड प्लानिंग कमीशन स्टेट ऑब्लिक यूटी ऑल्सो सो डोट थिंक एनडीसी वो सारा काम कर रही थी जो प्लानिंग कमीशन के ऊपर हो रही थी कि तीनों के ब्रिज में तीनों के बीच में एज ए ब्रिज का काम करिए सेंट्रल स्टेट और प्लानिंग कमीशन के बीच में वो लिंक का भी काम करिए सेंट्रल स्टेट और प्लानिंग कमीशन तीनों के बीच कोऑर्डिनेट भी करती है क्योंकि आपका कहना था सर प्लानिंग कमीशन में स्टेट के मेंबर नहीं यहां सभी आ गए लोग so, इसलिए ये काम तो एनडीसी ने काफी अच्छा किया क्या आंसर इज यस मतलब काफ़ी हद तक एनडीसी में यह काम सक्सेसफुल हुआ है तो तो इसका क्रेडिट को आपको देना पड़ेगा बट कुछ लोग इसके बारे में जब इवेल्युएट करते हैं तो दो बहुत ही अपोजिट स्टेटमेंट करते हैं कैसे कुछ लोग कहते हैं कि यह सुपर कैबिनेट जैसे लगता था तो कुछ लोग कहते थे कि यह रबर स्टैम लगता था नू में से कि सर इतना अपोजिट क्यों थोड़ा बहुत अपोजिट हम भी मान लेते हैं एक साइड में आप सुपर कैबिनेट बोल रहे हो और दूसरे साइड में आप बोल रहे हैं कि रबर श्राम सुपर कैबिनेट और रबर श्राम क्यों कहते थे ये भी देखते हैं अगर आप इसका कंपोजिशन देखोगे थोड़ा पीछे जाओ इसके कंपोजिशन में ही आपको आंसर मिलेगा क्योंकि एनडीसी का कंपोजिशन में कौन है देश के प्रधानमंत्री देश के सारे राज्यों के मुख्यमंत्री इवन केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनके भी मुख्यमंत्री जहाँ लेजिस्लेचर है जहाँ नहीं उनके एडमिनिस्ट्रेटर प्लानिंग कमीशन के भी मेंबर्स सो डोंट यू थिंक उसका कंपोजिशन इतना पावरफुल है कि जिसके वजह से वो सुपर कैबिनेट लगेगा ही क्योंकि देश के सर्वोच्च पद दैट इज प्रधानमंत्री रियल एग्जीक्यूटिव में एक्चुअल में हम प्रेसिडेंट है बट प्रधानमंत्री और स्टेट के मुख्यमंत्री सारे पावरफुल लोग का जहां मिलते हैं और प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स भी वो सुपर कैबिनेट लगना ही चाहिए तो सर ये बात तो ठीक है फिर आप इसे रबर स्टैम्प क्यों कह रहे हैं अरे रब इसलिए कह रहे है क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या लगता था कि सर प्लानिंग कमीशन जो बना बनाता है वही तो एनडीसी के पास आता है और एनडीसी मोस्टली अपोज भी नहीं करता देन यू सर कैसे पॉसिबल है अरे भाई मोस्ट ऑफ द टाइम एनडीसी और पीसी अगर आप ठीक तरह से देखेंगे दोनों का हेड कौन है दोनों का हेड प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर को अपोज करना तो मुश्किल है यह सही आंसर है बट कुछ लिमिट तक क्यों बिकॉज ये कब तक चल रहा था तब तक 1967 दैट क्यूँ क्योंकि 1967 तक सेंटर और स्टेट में एक ही पार्टी की सत्ता थी कांग्रेस की तब तक ये स्टेटमेंट एलिगेशन में मान लेता हूँ बट 1967 के बाद रीजनल पार्टीज भी आने लगी एंड दैट रिजन यहाँ पे थोड़े थोड़े इश्यू क्रिएट होने लगे मतलब स्टेट अपनी डिमांड रखने लगी सो so एन काफी हद तक सक्सेसफुल थी यस आंसर इज यस इवन प्लानिंग कमीशन भी सक्सेसफुल था आंसर इज यस देन कम्स अ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लानिंग कमीशन अगर था तो आपको नीति आयोग की क्या जरूरत है फिर जरूरत ही नहीं पड़ती थी आपको और नीति आयोग है ही क्या क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अगेन आंसर इज नो मतलब ये भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है एग्जाम में पूछा गया तो तो सर ये स्टेच्यूटरी बॉडी है अगेन आंसर इज नो मतलब ये स्टेच्यूटरी भी नहीं मतलब इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में, में भी नहीं कहा है ना ही इसे स्टैच्यू से क्रिएट किया है तो सर इसे क्रिएट कैसे किया है सेम एज प्लानिंग कमीशन बाय एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन 2015 में मतलब ये भी वैसे ही क्रिएट किया गया इसको भी मेन रोल अगर हम देखेंगे तो क्या रोल है सेम एज अ थिंक टैंक एक्सपर्ट एडवाइस देना इसका मेन काम होता है लेकिन इसका मेन डिफरेंस दिखता है इट इज क्रिएटेड इन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म ये हम देखेंगे अच्छी तरह से और दूसरा इसका सबसे प्लस पॉइंट बताया जाता है बॉटम अप अप्रोच राधर देन टॉप डाउन मॉडल डोंट यू थिंक प्लानिंग कमीशन पे एक क्रिटिज्म हमेशा होती थी कि अगर प्लान देश का है तो ऊपर से नीचे आना चाहिए क्या नहीं ये तो ठीक नहीं लगता नीचे से ऊपर प्लान जाना अच्छा रहता है तो जो क्रिटिसिज्म प्लानिंग कमीशन की थी उन दोनों का ख्याल यहां पे लिया गया ऐसा कहा जाता है देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन किसे इसके चेयरमैन कौन होते हैं अगेन द आंसर इज सेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्योंकि देश का प्लानिंग करना है तो ऑब्वियसली रियल एग्जीक्यूटिव कौन है भारत में रियल एग्जीक्यूटिव तो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है आई डू एग्री कि एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट है बट रियल सत्ता किसके हाथ में होती है पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में देन कमजो नेक्स्ट किस क्या प्राइम मिनिस्टर है? सब कुछ देखेंगे क्या नहीं यहाँ पे एक चीज़ है जो बहुत डिफरेंस करती है प्लानिंग कमीशन से क्या यहाँ पे एक गवर्निंग काउंसिल होता है एंड प्लीज यहां पे ध्यान दे दो प्लानिंग कमीशन में क्या होता था सिर्फ सेंटर के मेंबर्स होते थे यहाँ पे गवर्नर काउंसिल में यहाँ पे सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे इतना ही नहीं यूनियन टेरिटरी के भी चीफ मिनिस्टर होंगे एंड जिस यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे सो डोंट यू थिंक मेजर चेंज यहाँ पे दिख रहा है जहां पे प्लानिंग कमीशन में स्टेट को कोई प्रतिनिधित्व नहीं था इट वाज होल्ली सेंट्रली कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी इसलिए प्लानिंग कमीशन समझना बहुत जरूरी है वो समझेंगे तो ये बहुत आसान हो गया मतलब प्लानिंग कमीशन में जो कमियां दिख रही थी वो यहाँ पे ऐड कर दी आपने क्या गवर्निंग काउंसिल में आपने किसको ऐड कर, कर दिया आपने स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को ऐड कर दिया ट्रूली फेडरल स्पिरिट क्योंकि डिविजन ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट और सबके लिए प्लान बनाना है सो डोंट यू थिंक प्लान बॉटम से टॉप जाएगा तो ज्यादा अच्छा है और सभी को हम इन्वॉल्व कर लेंगे प्लानिंग में इट विल गिव मोर सक्सेस देन कम्स द नेक्स्ट किस सर क्या सिर्फ ये दो ही होते हैं नहीं इसके अलावा रीजनल काउंसिल्स भी होती है देन कम्स द नेक्स्ट कि सर ये रीजनल काउंसिल क्या होती है नाउ रीजनल एज अ नेम सजेस्ट देश का कोई एक हिस्सा यस yes. अब इसे कैसे याद रखना है रीजनल काउंसिल डोंट यू थिंक क्या सारे देश में एक ही समस्या होती है हो सकती है बट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल जो है say फॉर एग्जाम्पल हरियाणा पंजाब बाजू बाजू वाले स्टेट या फिर महाराष्ट्र गुजरात डोंट थिंक रीजन स्पेसिफिक भी इनके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं तो इसके लिए सारे देश को इसमें उस चीज़ में इन्वॉल्व करना ज़रूरत है क्या नहीं आप छोटा सा काउंसिल भी तो क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए तो वही रीजनल काउंसिल है जो क्या करता है टू एड्रेस योर स्पेसिफिक इश्यूज आपके कोई प्रॉब्लम्स है कुछ रीजन्स के से फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न रीजन है ईस्टर्न है नॉर्दर्न है सदर्न रीजन है सो आपके जो इश्यूज है उसको वह एड्रेस करेगा कॉन्टिजेंसी को एड्रेस करेगा विच इम्पैक्ट्स मोर देन वन स्टेट मतलब रूल क्या है एक से ज़्यादा स्टेट होना चाहिए तो ही रीजनल बोलेंगे ना तो ये सर हमेशा के लिए चलता रहेगा क्या नहीं आपने क्रिएट ही क्यों किया है ऐसे याद रखो रट्टा मत मारो आपने क्रिएट क्यों किया है आपने क्रिएट किया है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस तो पर्पस सॉल्व किया तो उसकी जरूरत है क्या नहीं तो टेन्यर भी कैसे होना चाहिए स्पेसिफिक होना चाहिए अनलिमिटेड क्यों चाहिए वाई यू शुड वेस्ट कंट्रीज रिसोर्सेज प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया उसकी जरूरत नहीं है देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन किसी से बुलाएगा कौन ऑब्वियसली देश के एग्जीक्यूटिव हेड कौन है रियल एग्जीक्यूटिव इज प्राइम मिनिस्टर सो होंगे कौन यहाँ पे जाहिर है भाई चीफ मिनिस्टर्स होंगे स्टेट के या फिर यूनियन टेरिटरी है तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सीएम एम होंगेलेचर होगा तो देन कम्स द नेक्स्ट कि सर इसका चेयरमैन कौन होगा क्योंकि दो स्टेट में झगड़ा है तो चेयरमैन कौन होगा चेयरमैन ऑब्वियसली नीति आयोग का ही होगा ना या फिर चेयरमैन ऑफ नीति आयोग जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो जिसे नॉमिनी करेंगे सो दैट वो प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर दो आई होप रीजनल काउंसिल पे आप आंसर अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं थर्ड थिंग कि सर कोई और भी होता है इसमें यस yes. जैसे प्लानिंग कमीशन में एक्सपर्ट्स को वगैरह इन्वाइट किया जाता था यहां पर भी स्पेशल्स इन्वाइटि होती है क्योंकि हर कोई इंसान हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सारे सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो सकता सो डोंट थिंक वी शुड इन्वाइट एक्सपर्ट्स स्पेशलिस्ट और उनका जो नॉलेज है वो देश के एडमिनिस्ट्रेशन में काम आएगा ऑब्वियसली इन्हें नॉमिनेट कौन करेगा प्रधानमंत्री देन कम्स द नेक्स्ट कि सर अगर फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन वर्क देखना है तो कैसे देखेंगे सेम देखो और इसको कंपेयर करो प्लानिंग कमीशन के साथ कंपेरिटिव में करते हैं सो दैट इट विल बिकम ईजी इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आएगा सो so ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी वहां पे भी चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर थे यहां पे भी प्राइम मिनिस्टर है वहां पे भी वाइस चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन थे यहां वाइस चेयरमैन बट सेम ही एंजॉयज द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर अगेन कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है इसका मतलब वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है तो कैबिनेट में वोट कर सकते हैं नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या यस मतलब यहां तक तो सिमिलर जा रहा है फुल टाइम मेंबर्स पे भी है जिनका रैंक मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वहां पे भी वही था <coughs> दो पार्ट टाइम मेंबर हो सकता है वो ठीक है एक्स ऑफिशियो मेंबर हमने उसमें भी देखे थे इसमें भी है लेकिन यहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक होता है सीईओ ऑफ नीति इसे अपॉइंट कौन करेंगे प्रधानमंत्री और इनका रैंक क्या होता है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा याद रखना जो भी सेक्रेटरी होते हैं वो मिनिस्ट्री नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते तो. जैसी जरूरत पड़ी वैसे आप कर सकते हैं सो डों आंसर डिफरें वहां पर रिसर्च विंग थी कंसल्टेंसी यहां पर भी है रिसर्च विंग क्यों लगेगी यहाँ पे ऑब्वियसली भाई अगर आपको देश के लिए प्लानिंग करना है जैसे मैंने कहा कि देश के मटेरियल रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्सेस कैपिटल रिसोर्सेस इनके बारे में आपको रिसर्च करना है ठीक तरह से उसका यूटिलाइजेशन करना है तो आपको रिसर्च भी तो करना पड़ेगा आपको कंसल्टेंसी भी करनी पड़ेगी एक सबसे अलग चीज़ क्या लगती है यहाँ पे टीम इंडिया विंग वर्ड यूज़ किया है टीम इंडिया नॉट यूनियन केंद्र सरकार नहीं देश भारत की टीम मतलब क्या यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एवरी स्टेट होगा और यही बड़ा डिफरेंस है मतलब क्या प्लानिंग कमीशन पे आप बार बार क्रिटिसिज्म करते थे कि सर स्टेट का कोई नहीं है टीम इंडिया विंग में आपके स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव होंगे ऑब्वियसली कौन होंगे स्टेट डिसाइड करेगा एंड इससे होगा क्या जब आप नीति आयोग में चर्चा करोगे तो स्टेट को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि भाई हमें इग्नोर किया है हमारा भी उतना पार्टिसिपेशन होना चाहिए एंड प्लीज याद रखना सिर्फ लेक्चर अटेंड करने से या वीडियो को देखने से कोई पास नहीं होता अनलेस एन अन यू कंस्ट्रक्टिवली पार्टिसिपेट उसका यूटिलाइजेशन जब तक नहीं करते तो यहाँ पे भी स्टेट अगर पार्टिसिपेट करेगा तो स्टेट अपनी समस्याएं रख सकता है एंड दैट विल बिकम मोर इजी एंड reason इसका नाम भी देखोगे तो टीम इंडिया रखा है मतलब एक साथ काम करेंगे कॉपरेटिव फेडरलिज्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सहकार्य होना चाहिए सभी के बीच में नेक्स्ट सिर्फ प्लानिंग कमीशन नीति आयोग दोनों समझा लेकिन अब नीति आयोग क्यों चाहिए अगर डिटेल में पूछा तो वो भी देखते हैं और क्या रीजन सरकार ने दिए थे सरकार का कहना था अभी इंडिपेंडेंस मिलकर दो में आपको 65 इयर्स हो चुके हैं आई डू एग्री आज आपको होगी की सेवेंटी फाइव में की बात कर रहा हूँ तो सिक्सटी फाइव में डोंट यू थिंक देश में बहुत बदलाव हुआ है दे इज अ पैराडिगम शिफ्ट ओवर द पास्ट सिक्स डिकेड बहुत शिफ्ट हो चुका है किसमें देश में पॉलिटिकल शिफ्ट दिखता है हमें इकोनॉमिकली दिखता है इतना ही नहीं साइंस टेक्नोलॉजी हर जगह पे शिफ्ट हुआ है डेमोग्राफी वाइज शिफ्ट हुआ है सो डोंट यू थिंक अगर देश में इतने सारे चेंजेस हुआ है सो वी चेंजिंग टाइम्स आपको लोगों के नीड्स और एस्पिरेशंस भी तो मीट करने होंगे 1947 में भारत में जितनी गरीबी थी जितनी इलिटरेसी थी क्चर था क्या वो 2014 में है आंसर नो मतलब यहाँ पे सरकार ने मान लिया कि 60 साल में बहुत सारा अच्छा काम भी हुआ था और अब बदलते समय के अनुसार आपको बदलाव लाने चाहिए यस इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप देखेंगे आर्टिकल 368 है सो डोंट थिंक लोगों के नीड्स और एस्पिरेशन के तरह आपको कुछ चेंजेस लाने चाहिए यस तो यहाँ पे एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो कैटलिस्ट हो फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस मतलब विकास का जो कार्य होगा उसके लिए वो उत्प्रेरक का, का काम करेगा उसको वो चालना देगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लानिंग कमीशन में मैंने फिर से कह रहा हूं स्टेट का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था यहां स्टेट को एम्पावरमेंट रहेगा और उसी के लिए मैंने वर्ड भी यूज किया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सेंटर स्टेट दोनों मिलकर देश का विकास करेंगे इतना ही नहीं क्या सारे स्टेट महंगे एक्सपर्ट महंगे टेक्निकल एक्सपर्टाइज ले सकते हैं no. से है. तो सेंटर अच्छा, है, जहां सारे फील्ड के expert, domain expertise आ सकती है, और center उसे पूरे देश में alert कर सकता है। इतना ही नहीं इंप्लीमेंटेशन करने के लिए भी एक बहुत अच्छा हो जाएगा एंड यही इसका फायदा है इतना ही नहीं जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली सर उन्होंने भी कहा था कि जो 65 इयर्स ओल्ड प्लानिंग कमीशन है अभी वो रिडेंडेंट हो चुका है अभी उसका कोई फायदा नहीं है इट वॉज रिलेवेंट इन कमांड इकोनॉमी कमांड इकोनॉमी जब था उस वक्त तो वो सही था आज की तारीख में वो जरूरत नहीं है उसके लिए उन्होंने काफी अच्छा वर्ड यूज किया था वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं चलेगा मतलब एक ही साइज सभी के लिए अप्लाई कर दो नहीं वन साइज फिट ऑल अप्रोच टू इकोनॉमिक प्लानिंग इज एप्सोलूट मतलब उस वक्त आपने किया ठीक है बेटा आज की तारीख में इसको लगेगा क्या नहीं बिकॉज इट कैन नॉट मेक इंडिया कॉम्पिटिटिव इन ग्लोबल इकोनॉमी आज ग्लोबलाइजेशन 1991 के बाद बहुत चेंजेस हो चुके हैं सो so, भारत के लिए क्या वर्क होगा भारत के लिए वही वर्क होगा जो भारतीय अप्रोच होगा डेवलपमेंट के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो भारतीय अप्रोच होगा डेवलपमेंट के लिए मतलब बदलते समय के अनुसार हमें बदलना जरूरी है वो सही भी है देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है नीति आयोग के जैसे प्लानिंग कमीशन के थे वैसे ही अब इसका भी मेन काम क्या मैंने कहा नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन हमने कहा इंडिया सो डोंट थिंक इसका भी मेन एम वही होगा नेशन डेवलपमेंट देश का विकास करना यस yes, ब्रीफ में देखेंगे तो सेकेंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब क्या सेंटर स्टेट दोनों मिलकर विकास करें तीसरा अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो सिर्फ अर्बन लेवल का करके फायदा है क्या नहीं क्रिटिकल प्लांट्स एट द विलेज लेवल भी होना जरूरी है मतलब विलेज को भी कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है इतना ही नहीं सारे प्लांट्स बनाते समय नेशनल सिक्योरिटी देना जरूरी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भारत का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है एज अ वेलफेयर स्टेट हमें स्पेशल अटेंशन देना चाहिए किसे जो सोसाइटी में सबसे वीकर सेक्शन होते हैं वनरेबल सेक्शंस होते हैं चाहे वो विमेन हो एस सी एस टी और माइनॉरिटीज हो या बच्चे हो इनके ऊपर भी अटेंशन देना जरूरी है यस एंड एज यूजल स्ट्रेटजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी बनानी चाहिए अपने को क्या गोल्स हो सकते हैं हमारे एंड टू प्रोवाइड एडवाइस टू एनकरेज पार्टनरशिप विथ की स्टेक होल्डर्स क्या इतने ही थे नहीं एक और भी काम था मैंने कहा था कि स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर मतलब जिससे एडवाइस स्टेट्स को भी मिलेगी सेंटर को भी मिलेगी इतना ही नहीं जो भी आप पॉलिसी बना रहे हैं डोंट थिंक उसका इवोल्यूशन भी तो होना चाहिए नहीं तो सर हमने अच्छा पॉलिसी बनाया मतलब वो अच्छा इम्प्लीमेंट होगा नॉट नेसेसरी उसका रेगुलरली इवोल्यूशन भी होना चाहिए इतना ही नहीं टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत होना चाहिए अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग भी होना चाहिए क्यों बिकॉज जितना टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे उतना गवर्नेंस में फ़ायदा होगा जितनी सिस्टम क्लीन रहेगी सो so, ये सारे गोल्स ऑब्जेक्टिव प्लानिंग कमीशन के हैं मतलब क्या नीति आयोग सॉरी नीति आयोग के हैं सो नीति आयोग क्या अचीव करना चाहता है नीति आयोग अचीव करना चाहता है गवर्नमेंट शुड बी अ एनेबलर रादर देन प्रोवाइडर मतलब हम इनेबल करोगे प्राइवेट एंटिटी और आप लोग करो पहले हम ध्यान किसके ऊपर देते थे फूड सिक्योरिटी के ऊपर अब सिर्फ फूड सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान मत दो अभी मिक्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी देख सकते हैं फार्मर्स के बारे में हम ज्यादा सोच सकते हैं तीसरा ग्लोबल लेवल पे हम लोग एक एक्टिव प्लेयर हो सकते हैं चौथा देश में आज बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है दैट इज़ आर डेमोग्राफिक डिविडेंड एक वाइब्रेंट मिडिल क्लास है सो डोंट थिंक उनका पोटेंशियल अच्छी तरह से यूटिलाइज होना चाहिए इंडिया का जो पूल है हम लोग अब स्टार्टअप में देखते हैं बाकी सारी चीजें में तो एक आंतरप्रोनल जो पूल है साइंटिफिक एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल आज हम देख रहे हैं चांदयान मुहिम हो या बाकी इसरो के मुहिम्स हो या स्टार्टअप हो तो उसे भी तो अच्छी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए और जियो इकोनॉमिक और जियो पोलिटिकल स्ट्रेंथ एन का जो है मतलब जो भारतीय बाहर है उनका भी तो हम यूज़ कर सकते हैं एंड अर्बनाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए ना कि नेगेटिव की तरह एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए टू रिड्यूस ओपेसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका बेस्ट एग्जाम्पल आधार दे सकते हैं डोंट यू थिंक एक बात कहा जाता था भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे, थे कि एक रुपया भेजा तो नीचे सिर्फ पंद्रह पैसे जाते हैं दैट मीन्स बहुत सारे लीकेज हो सकते होते हैं डोंट so थिंक आधार की वजह से अभी डिजिटल इंडिया की वजह से बहुत सारे पैसे आप डायरेक्टली उन्हीं लोगों के अकाउंट में जा सकते हैं जिनको उसका फायदा होना चाहिए तो यस ओपेसिटी अगर रिड्यूस करना है तो टेक्नोलॉजी का यूज मस्ट है सो so ये बहुत अच्छा एडवांटेज है इतना ही नहीं स्टेट का जैसे मैंने कहा कि जो देश का डेमोग्राफिक डिविडेंट है उसका बेनिफिट लेना चाहिए और जो पोअर्टी काफ़ी हद तक मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स अपना कम हो चुका है बट पूरी तरह से कम होना ज़रूरी है इतना ही नहीं अगर आप डी पी एस पी पढ़ोगे तो इनक्वालिटीज़ नहीं होना चाहिए तो ये भी इसका मेन एम है कि इनक्वालिटीज़ हो सके जितना कम करो बिकॉज इनक्वालिटी एनी वेयर इज़ अ कॉज ऑफ रिवोल्यूशन एवरीवेयर ये ऐसे ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है और जो विलेजेस है उनको इन्वॉल्व करो डेवलपमेंट प्रोसेस में एंड जो स्मॉल बिजनेस है मोर देन फिफ्टी मिलियन इनको पॉलिसी सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है देन यू में सबसे बड़े इंडस्ट्री को मिलना चाहिए छोटे क्यों बिकॉज जो छोटे उद्योग होते हैं लघु उद्योग या मध्यम उद्योग डोंट थिंक यही से बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है तो उन्हें पॉलिसी सपोर्ट मिलना जरूरी है एंड लास्ट एंड जो इक्कीसवीं सदी का मेन हम मानते हैं पर सारी दुनिया में पर्यावरण का प्रोटेक्शन होना जरूरी है उसे सेफगार्ड करना जरूरी है इकोलॉजी का सेफगार्ड जरूरी है देन कम्स द नेक्स्ट कि क्या सर इसके कोई गाइडिंग प्रिंसिपल है यस yes. अगर हमने ऑब्जेक्टिव देखा तो डोंट यू थिंक ऑब्जेक्टिव में ये एक बात तो क्लियर था कि सबको साथ लेके चलना इंक्लूजन मतलब क्या जो वीकर सेक्शन है वल्नरेबल सेक्शन है उनको एम्पावरमेंट करना चाहिए यस yes. प्रायोरिटी किससे मिलना चाहिए अंत्योदय विलेजेस को इंटीग्रेट करना चाहिए डेमोग्राफिक डिविडेंट मैंने कहा एंड अल्टीमेटली मैंने ये भी कहा कि सिर्फ लेक्चर अटेंड करके कोई आई नहीं होता सेम वे पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है मतलब एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब जहां एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन लोगों का होगा देश का विकास तो होगा ही गवर्नेंस अच्छी तरह से करना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एंड सस्टेनेबिलिटी टॉवर्स एनवायरमेंट देन कम्सट इसके पिलर्स क्या है इसके सात पिलर्स उन्होंने कहा है

इम्पॉर्टेंस कम होता है डिबेट इज एन ऑफ डेमोक्रेसी और ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी सो क्रिटिसिज्म भी है यस yes. अपोजिशन इसे क्रिटिसका करता है क्यों अपोजिशन का कहना है कि भाई ये तो जस्ट गिमिक है और कुछ नहीं इसमें होगा क्या अपोजिशन का कहना था कुछ लीडर्स का कि भाई इसमें होगा ये कि आगे जाके पॉलिसी में मोनली कौन चलाएगा पॉलिसी कॉरपोरेट मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है वही चलाएंगे वही डिसाइड करेंगे आप बातें कर रहे हो लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा हमें लगता नहीं है तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई आपने जस्ट नाम बदला है बाकी तो कुछ नहीं बदला है कांग्रेस के लीडर मनीष तिवारी ने कहा था कि आफ्टर ऑल वॉट वॉज द प्लानिंग कमीशन डूइंग वो भी तो तो कर रहा था और अगर आपको सचमुच में करना था कंस्ट्रक्टिव चेंजेस के लिए तो सारे रेडी है तो कुछ लीडर ने कहा कि ये सरकार ये करना चाहती है प्लानिंग कमीशन स्क्रैप करना चाहती है बिकॉज ये बिलीव ही नहीं करता प्लानिंग में और कुछ लोगों ने कहा कि भाई आपको क्या चाहिए था स्टेट को पावर देना तो आप मोर तेथ एनडीसी को भी तो दे सकते थे मतलब मोर पावर एनडीसी को दे सकते थे उसके लिए नीति आयोग नाम बदलने की क्या जरूरत है नाम बदलने से क्या होता है काम एक्चुअल में होना जरूरी है तो फिर आते हैं फाइनल कंक्लूजन के ऊपर किस कौन सही है कौन गलत हमें एग्जाम के एंगल से देखना है सामने मैंने तीनों के नाम लिखे प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता था सक्सेसफुल है यस टू तो अ लार्ज एक्सटेंट बट इसके क्रिटिसिज्म क्या था सर इसमें सारे मेंबर सेंटर के होते थे राइट right? तो ये दिक्कत आपने किसमें दूर कर दी यहां पे सेंटर यहां पे भी आ गया और स्टेट भी आ गया तो एनडीसी तो काफी हद तक सक्सेसफुल है सो so फिर नीति आयोग की क्या जरूरत थी जैसे सरकार ने कहा कि विथ टाइम लोगों के नीड्स एस्पिरेशन चेंज होते हैं एंड वन साइज फिट

सारे मेंबर्स यूनियन गवर्नमेंट के होते हैं चौथा वाइस चेयरमैन इज इंजॉइंग रैंक ऑफ कैबिनेट एंड ही कैन स्पीक एंड वोट इन कैबिनेट मीटिंग्स आई होप चारों दिख रहे हैं आपको इसलिए मैं थोड़ा दूर जा रहा हूं अब आता है अगला सवाल चार ऑप्शन दिए एक पेयर करेक्ट दो तीन पेर ओनली थ्री पेयर्स करेक्ट एंड ओनली फोर पेयर्स करेक्ट दैट इज ऑल अगर आंसर आता है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना थैंक यू वेरी मच